जिम में एक्सरसाइज कर पसीना बहाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है और ये खबर आपकी सेहत से ही जुड़ी है। वैसे तो आप सभी शरीर को आकर्षक और निरोगी बनाने के लिए जिम में मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती है जो शायद आप भी जिम करने के बाद करते हैं, जिसके कारण आपको फायदे की जगह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिम में वर्कआउट करने के बाद बहुत प्यास लगती है। कुछ लोग प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्यास बाजारों से मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक से बुझाते हैं। आपको बता दें कि वर्कआउट करने के बाद कुछ ड्रिंक्स को अवॉइड करना ही आपके लिए सही होगा। बताते हैं उन चार ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें आप वर्कआउट के बाद ना पिएं तो ही अच्छा है। फ्रूट जूस। एक्सरसाइज के बाद कभी भी पैकेट फ्रूट जूस ना पिएं, क्योंकि यह आपके शरीर को मोटा बनाता है। वहीं इसके अलावा जूस बनाने के प्रोसेस में फलों में मौजूद हेल्दी विटामिन्स खत्म हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी पैक्ड फ्रूट जूस ना पिएं। सोडा ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, मसाला ड्रिंक्स जैसे तमाम सोडा ड्रिंक्स को गलती से भी ना पिएं, डाइट ड्रिंक्स भी नहीं, क्योंकि ये आपको उस वक्त तो एनर्जी देगी, लेकिन जैसे ही इस सोडे का असर खत्म होगा इससे आपको उतना ही नुकसान भी होगा। अल्कोहल। वर्कआउट करने के बाद जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, वहीं अल्कोहल आपके शरीर को डिहाइड्रेट करता है। तो अगर आपका भी शाम की जिम के बाद पार्टी में पीने का प्लान हो तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। चाय कॉफी। चाय में मौजूद कैफीन की वजह से इसे एक्सरसाइज के बाद अवॉइड करें। धीरे धीरे इसे पीने से आपको बार बार नींद आने की दिक्कत भी हो सकती है, जो वर्कआउट पसंद करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप एक्सरसाइज के बाद पानी के अलावा फ्रेश जूस, दूध और नारियल पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।